हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएम लव। आज का हमारा वीडियो है कि सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीने के क्या क्या फायदे होते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सहजन का पेड़ होता है, सहजन की पत्तियां होती है, जिसे मोरिंगा भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है उसे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो सहजन की पत्तियां होती है उनका काढ़ा पीने के बहुत सारे फायदे होते हैं। उनकी फली आप सब्जियों में यूज कर सकते हैं, सब्जी बनती है उनकी। और सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीने से बहुत सी प्रॉब्लम आपकी दूर होती हैं। जैसे कि सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीने से आपका ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल रहता है, आपकी डायबिटीज होती है वो कंट्रोल रहती है, आपका मोटापा कंट्रोल रहता है, और भी बहुत सारे चीजें हैं, बीमारियां हैं, वो आपकी से दूर होती है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी, तो एंड तक देखिएगा। सहजन होता है वो शरीर को हेल्थी और स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सहजन की पत्तियां होती है वो शरीर की कई प्रॉब्लम से, कई समस्याओं में एक औषधि की तरह काम आती है एक औषधि की तरह। सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीने से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उनमें बहुत मदद मिलती है, उनको ठीक रखती है सहजन की पत्ती। सहजन की पत्तियों में पर्याप्त मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, तो ये हमारी बीमारियों को दूर रखने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है सहजन की पत्तियां। तो सहजन की पत्तियां किन किन रोगों में हमें दूर रखती है, तो फर्स्ट है हमारा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में सहजन की पत्तियों का काढ़ा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। इसमें मौजूद जो गुण होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल रखते हैं, और आपका ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है इसका काढ़ा पीने से। नेक्स्ट इसका फायदा है आपका डायबिटीज के मरीजों के लिए सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, उनका शुगर लेवल होता है वो इससे कंट्रोल रहता है। थर्ड फायदा इसका यह है कि सहजन की पत्तियां होती हैं वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों की कमजोरी दूर करती है, आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और मोरिंगा होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट फायदा इसका ये है कि सहजन की पत्तियां होती है वो हमारा वजन कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इनका काढ़ा पीने से क्या होता है, सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीने से हमारा वजन कंट्रोल रहता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म होता है उसको सुधार देती है, और हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो सुचारू रूप से काम करता है, जिससे क्या होता है कि वजन कम करने में भी ये मदद करती है आपका। नेक्स्ट है आपका कि पेट से जुड़ी परेशानियों में भी सहजन की पत्तियां बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका काढ़ा पीने से आपके जो पेट संबंधी जो भी परेशानी है वो सब दूर रहती है, जैसे आपकी कब्ज की समस्या है, पेट में गैस की प्रॉब्लम है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम है, ये सब इससे दूर रहती है। तो सहजन की पत्तियां हमारे जो पेट संबंधी प्रॉब्लम होती है उनको भी दूर रखती है। नेक्स्ट इसका फायदा है ये कि सहजन की पत्तियों का काढ़ा पीने से हमारा जो खून होता है वो डिटॉक्सिफाई होता है, यानी कि खून साफ रहता है हमारा। तो इसका पीने से आप अपने खून को साफ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो नहीं होंगे आपको। तो ये हमारे खून को भी डिटॉक्सिफाई करती है सहजन की पत्तियां। तो ये थे मैंने फायदे बताए हैं कि आप किन किन चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी इसके फायदे हैं, बहुत सारी चीजों में यूज भी आती है, मैंने इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत कवर किए हैं। तो हमें सहजन का जो पत्तियां होती है उनका काढ़ा कैसे बनाना है, तो हमें क्या करना है, सहजन की पत्तियां लेनी है, उनको साफ कर लेना है धो के, उसके बाद उनको 2 गिलास पानी लेना है या 2 कप ले सकते हैं, उस पर उबालना है जब तक कि आपका 1 कप नहीं रह जाता है। 1 कप रहने के बाद उसको आपको पी लेना है, आपको थोड़ा बहुत नाश्ता करके उसके 1 घंटे बाद आपको उसको पीना है। आप उसमें जो काढ़ा बनाते हैं उसमें थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए या पीने के लिए ताकि आसानी से पी सके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए, थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लीजिए, उसके बाद आप पी सकते हैं इसे। बहुत इजी है बनाना, बहुत आसान तरीके से आपको ये सहजन की पत्तियां मिल जाएंगी, तो अपनी ये प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं इसको पी के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मित्र नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक बाय फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा।